जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड दिग्गज अभिनेता इरफान खान के निधन के बाद से ही सोशल मीडिया पे उनके फैंस के द्वारा उनकी श्रद्धांजलि के लिए काफ़ी मैसेज और काफ़ी ट्वीट सामने आए थे, जहां करोड़ों की तादाद में सभी लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए दिखाई दिए अपने मैसेज के दौरान। लेकिन सबसे बेहतरीन और सबसे उमदा तरीके से अगर कोई श्रद्धांजलि देने वाला है तो वो है दूरदर्शन चैनल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, महाभारत और रामायण के पुनः प्रसारण के बाद से सुर्खियों में आए दूरदर्शन चैनल ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है, जिसके चलते बॉलीवुड दिग्गज अभिनेता इरफान के एक्टिंग करियर के बारे में लोग और भी ज़्यादा जान सकेंगे कि कितने उमदा कलाकार रह चुके हैं। बता दें दोस्तों, दूरदर्शन ने इरफान खान के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस प्रकार से फैसला लिया कि उनके सबसे प्रसिद्ध शो यानी सबसे प्रसिद्ध टीवी सीरियल श्रीकांत को फिर से टीवी पर टेलीकास्ट करने का फैसला किया है। दूरदर्शन पे इसे हर दिन दोपहर 3:30 बजे दिखाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप इरफान खान की बेहतरीन कलाकारी को हर रोज़ 3:30 बजे देख सकते हैं श्रीकांत सीरियल्स में। इसके डायरेक्टर की बात करें तो इसका निर्देशन किया है प्रवीण निस्कोल ने। जहाँ पे जब ये शो पहले आते थे यानी जब ये शो पहले प्रसारित हुआ था तो काफ़ी सुर्खियों में आया था। बता दें दोस्तों, इस सीरियल के बारे में कुछ जानकारी तो टीवी शो श्रीकांत शरद चंद्र चटर्जी के उपन्यास श्रीकांत पर आधारित है। यानी टीवी शो श्रीकांत शरद चंद्र चटर्जी उपन्यास श्रीकांत पर आधारित है। ये शो दूरदर्शन पर 1985 से 1986 तक प्रसारित हुआ था। टीवी शो में इरफान खान के साथ फारूक शेख, सुजाता मेहता और मृणाल कुलकर्णी प्रमुख किरदारों में थे। लेकिन अगर सभी की निगाहें और सबके लिए अगर ये सीरियल दोबारा देखने का जरिया होगा तो वह सिर्फ इरफान खान की एक्टिंग। बता दें दोस्तों कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में अपने एक्टिंग का दमखम दिखाने वाले इरफान खान काफ़ी मशहूर हैं। लेकिन अब बीते बुधवार को यानी 29 अप्रैल 2020 को उन्होंने इस दुनिया से अलविदा कह दिया है। जहाँ पर उनकी खबर सुनने के बाद पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ भारत देश और साथ साथ उनके हर फैंस के दिल में उनके लिए प्रेम भाव उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पे सभी लोग उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे चैनल की तरफ से भी उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करेगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। लेटेस्ट इंटरेस्टिंग खबरों के लिए धन्यवाद दोस्तों।